हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षक बहाली में दोबारा सत्यापन जो है नहीं होगा और आंसर की पर आज तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। साथ ही जिनको बीएड के प्रमाण पत्र को डीएलएड के प्रमाण पत्र में बदलना है तो वो भी आज तक बदल सकते हैं। 11 सितंबर तक वो कार्य जो है होगा। और जिनका भी सत्यापन कार्य छूट गया है वो गर्दनी बाग स्थित पटना हाई स्कूल में 11 तक सत्यापन जो है सॉरी 12 तक सत्यापन कार्य करा सकते हैं। तो अब तक जो सत्यापन हुआ है 4 सितंबर को 1360, 5 सितंबर को 1500, 7 सितंबर को 750, 8 सितंबर को 1520 और 9 सितंबर को 1310 और कुल जो हुआ है वो 6440 हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी 4 से 9 सितंबर के बीच उच्च माध्यमिक के शिक्षकों के लिए कागजात का सत्यापन करा लिए हैं तो उन्हें दोबारा सत्यापन कराने की ज़रूरत जो है नहीं है। वही जिन अभ्यर्थियों का उच्च माध्यमिक के सत्यापन कार्य नहीं हो सका है वह माध्यमिक के लिए निर्धारित कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। किसी तरह की दुविधा की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी से अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी दुविधा की स्थिति है जो समझ में नहीं आ रहा है तो जो जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए हैं पदाधिकारी उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड चेकलिस्ट के अनुसार सभी कागजात और प्रमाण पत्रों के साथ सुबह 10 से 5 बजे सत्यापन कार्य में शामिल होंगे। उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों का सत्यापन कार्य 4, 5, 7, 8, 9 सितंबर तक निर्धारित है। वही माध्यमिक का 8, 9, 11 और 12 सितंबर तक होना है। आपत्ति के लिए डैशबोर्ड पर लिंक जो है वो दिया गया है। बीपीएससी प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 170,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं के आंसर की पर सोमवार तक स्वीकार करेगा। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों के डैशबोर्ड में लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। प्रमाण के साथ ही आपत्ति दर्ज कराने पर आयोग विचार करेगा। ईमेल या स्पीड पोस्ट से आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही प्राथमिक शिक्षकों का सत्यापन कार्य जो है वो भी जल्दी शुरू होगा। शिक्षक बहाली में सबसे अधिक लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के पदों की परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें डीएलएड और बीएड योग्यताधारी समान संख्या के हैं। राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी को शामिल करेंगे या दोनों को, इस पर स्थिति जो है स्पष्ट नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त होते ही सत्यापन कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। तो प्राथमिक का सत्यापन जो है इसलिए अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि बीएड वाला स्थिति जो है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि बीएड वाले का रिजल्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से जो है सत्यापन का कार्य प्राथमिक का शुरू नहीं हुआ है और बाकी का हो रहा है। और डीएलएड का प्रमाण पत्र अगर अभी तक आप अपलोड नहीं किए हैं, अगर आपके पास है डीएलएड का प्रमाण पत्र और बीएड का भी तो उसको डीएलएड में चेंज करने का ऑप्शन आज तक है तो आप आज तक कर सकते हैं। आपत्ति भी आज तक दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे जो भी अपडेट आता है उससे मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। बाय बाय।